जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर निरंतर वीडियो अपलोड होते हैं और विभिन्न परीक्षाओं की यहाँ पर तैयारी की जाती है। उसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए आज हम आपको पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बताएंगे। यहाँ दोस्तों, इससे पहले एक पार्ट पत्र लेखन से संबंधित मैंने डाला है, उसमें मैंने कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किया और कुछ विस्तृत डिटेल में भी आपको बताया है। दोस्तों, अगर आप हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें पत्र लेखन से संबंधित जरूर 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो पत्र लेखन से संबंधित इसमें ध्यान नहीं देते हैं और 1-2-3 क्वेश्चनों में से लगभग 1-2 क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। और आपको जो PDF है वो हमारे IAS स्टडी ट्रिक, आपको सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको सारी की सारी जो PDF है वो सारी की सारी मिलने लगेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहले जो प्रश्न है दोस्तों, वो क्या है कि अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधित करने की शैली होती है। तो अर्धशासकीय पत्र में हमें बताना है, आपने पढ़े होंगे अर्धशासकीय पत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, ये पत्र हम पढ़ चुके हैं। अब अर्धशासकीय पत्र में हमें अधिकारी को संबोधित करने की शैली बताना है। 4 विकल्प भी हमारे सामने मौजूद हैं, तो वो शैली हो जाएगी विकल्प नंबर 2, प्रिय श्री। जैसे हम कोई भी अधिकारी का नाम लिखते हैं, प्रिय श्री रमेश, प्रिय श्री जिनेश, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र में जो संबोधित करने की शैली होती है वो प्रिय श्री, यहाँ पर जो विकल्प नंबर 2 दिया है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अपने मोहल्ले में सफाई के अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। जी हाँ दोस्तों, संबोधन का रूप क्या होगा? आप सफाई अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, उसमें संबोधन का क्या हो जाएगा? श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, इस प्रकार से जो भी अधिकारी है उससे संबंधित भी हम नाम डाल सकते हैं। तो श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, इसका संबोधन इस प्रकार से होगा। तो विकल्प नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित से कौन सा प्रारूप गजट में प्रकाशित होता है? जी हाँ दोस्तों, आपने गजट जो प्रकाशित होता है उसमें कौन सा प्रारूप प्रकाशित होता है? 4 विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, 4 में से इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, आपने टिक कर लिया होगा अगर आपको पता होगा तो उसका सही उत्तर होगा अधिसूचना। अधिसूचना जो है गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, राजपत्र है ना, इस प्रकार से तो अधिसूचना गजट में प्रकाशित होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी नहीं है। परिपत्र किस श्रेणी में आता है? जी हाँ दोस्तों, जो परिपत्र होता है ना, जिसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है, घुमक्कड़ी पत्र भी कहा जाता है ना, तो ये परिपत्र किस श्रेणी में आता है ये चीज हमें बतानी है। तो ये कार्यालयी पत्र है ना, कार्यालयी पत्र के विभिन्न जो है रूप है उसमें ये आता है गस्ती पत्र। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर लिखा जाता है, तो क्या लिखा जाता है? पत्र क्रमांक, दिनांक, कार्यालय का स्थान या प्रेस्टी को संबोधन। तो इसका सही उत्तर होगा कार्यालय का स्थान लिखा जाता है सबसे ऊपर, याद रख लेना। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और वो कंफ्यूज जरूर करते हैं। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला जो पत्र कहलाता है वो क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, अपन ने एक पत्र पहले प्रेषित किया है, उसी पत्र को हमें क्या दिलानी है? याद दिलानी है। तो उसके लिए जो हम पत्र भेजेंगे फिर से, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा अनुस्मारक पत्र, याद रख लेना। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, कौन सा पत्र 100 से भी अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, अगर एक से अधिक व्यक्तियों के को हमें एक ही पत्र भेजना है तो जो है, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो क्या होगा? परिपत्र। परिपत्र अगर एक से अधिक व्यक्तियों को कोई पत्र भेजा जाता है तो उसे परिपत्र कहा जाने लगता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपत्र, है ना। नेक्स्ट देखें, कार्यालयी पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? जो कार्यालय के पत्र होते हैं उनकी भाषा कैसी होनी चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, बोलचाल की भाषा, मुहावरेदार भाषा, अनौपचारिक भाषा या औपचारिक। जब हम कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो उसमें औपचारिकता जरूर होती है दोस्तों। ठीक है, तो कार्यालयी पत्रों की जो भाषा होती है वो औपचारिक होती है, मतलब विकल्प नंबर जो 4 यहाँ पर दिया है वो इसका सही हो जाएगा औपचारिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ही पत्र जब एक साथ कई प्रेस्तियों को भेजा जाता है तब इसे क्या कहते हैं? तो तब इसे क्या कहा जाता है वो चीज हमें बतानी है। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसे परिपत्र कहा जाता है। ठीक है, एक साथ कई प्रेस्तियों को भेजा जाता है तब। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों,
व्यावसायिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में हमें बताना है कि ये जो पत्र लेखन है ये क्या कार्य करता है, तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थायी प्रलेख का, पत्र लेखन स्थायी प्रलेख का कार्य करता है, विकल्प नंबर दो जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है परिपत्र शब्द, जो है परिपत्र शब्द का सही अर्थ अंग्रेजी के खालिस्तान से समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी का कौन सा शब्द है जिससे परिपत्र शब्द का सही अर्थ समझा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर एक सर्कुलर। जी हाँ दोस्तों, सर्कुलर मतलब ये जो पत्र होता है सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, है ना, इसलिए घुमक्कड़ी पत्र, घुमक्कड़ी भी कहा जाता है इसको, परिपत्र को। इसे अंग्रेजी में जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो सर्कुलर किया जाता है, तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रेस विज्ञप्ति विशेषताओं में निम्न में से कौन सी असत्य है, हमें प्रेस विज्ञप्ति जो इसकी विशेषता होती है वो असत्य बताना है, कौन सी असत्य है, इनकी भाषा स्पष्ट और नपीतुली होती है, तो बिल्कुल सही है ये। इसमें संबोधन और अधोलेख जरूरी है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। अंत में अधिकारी नाम पदनाम और तिथि अंकित होते हैं, सही है। इनकी शैली और शब्दावली निश्चित होती है, बिल्कुल निश्चित होती है, तो ये सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर दो हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हो जाएगा निम्न में से पत्र का कौन सा भेद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम पत्र पढ़ते हैं, बधाई पत्र होता है, शोक पत्र भी होता है, संबंधियों के भी पत्र होते हैं, लेकिन भोज पत्र नहीं होता, मतलब जो पत्र का भेद नहीं है वो भोज पत्र नहीं है, विकल्प नंबर जो चार है वो सही हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन पत्र का प्रकार नहीं है, फिर हमें पत्र का प्रकार बताना है, तो व्यापारिक पत्र होते हैं, सरकारी पत्र होते हैं, सामाजिक पत्र होते हैं, लेकिन सामाजिक पत्र पत्र का प्रकार के अंतर्गत नहीं आता, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। एमपी टेट में ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रख लेनी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं और हम गलत करके आते हैं। निम्न में से कौन सा बिंदु पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, हमें बताना है पत्र लेखन की विशेषता नहीं है, तो कौन सा बिंदु नहीं है, संक्षिप्तता तो पत्र लेखन में होती है, सरलता भी होती है, प्रभावान्विति भी होती है, लेकिन चरमोत्कर्ष पत्र लेखन में नहीं होता, मतलब विकल्प नंबर जो तीन है वो इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक पुत्र है जो अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो वो किस प्रकार का पत्र माना जाएगा, व्यावसायिक माना जाएगा, कार्यालयी माना जाएगा, व्यक्तिगत माना जाएगा, या फिर सांस्कृतिक माना जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये व्यक्तिगत पत्र माना जाएगा, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है। जी हाँ दोस्तों, बधाई पत्र हमें बताना है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बधाई पत्र किस प्रकार का पत्र है, तो बधाई पत्र जो हो जाएगा वो सामाजिक पत्र हो जाएगा, मतलब विकल्प नंबर दो जो है इसका सही हो जाएगा, बधाई पत्र सामाजिक पत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट घुमक्कड़ी गश्ती पत्र कहा जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि घुमक्कड़ी और गश्ती पत्र किसे कहा जाता है, परिपत्र को कहा जाता है, जब कोई पत्र एक से अधिक प्रेस्तियों को भेजा जाता है तब उसे परिपत्र कहते हैं, और इसे जो है सर्कुलर, अंग्रेजी का सर्कुलर शब्द प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये सर्कुलेट होता है ना, घूमता रहता है, इसलिए घुमक्कड़ी भी इसे कहा जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। निम्न में से कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो उत्तम पुरुष शैली में अर्ध सरकारी जो पत्र होता है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है दोस्तों, बाकी अन्य पुरुष शैली में जो है लिखे जाते हैं पत्र, तो ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सा पत्र उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है, तो अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाता है। अगला है पत्र लेखन में पूर्वापर संबंध से क्या तात्पर्य है। जी हाँ दोस्तों, पूर्वापर संबंध से हमें बताना है क्या तात्पर्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ, पूर्वापर संबंध से तात्पर्य होता है पूर्व लिखित पत्रों का संदर्भ, ठीक है, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा। अंतरदेशीय पत्र का उपयोग क्या है, अब यहां पर अंतरदेशीय से आप इसका जो अर्थ है वो आप गलत मत लगाना, यहां से गलत हो जाता है, कंफ्यूजन में गलत करके ही आते हैं। अंतरदेशीय पत्र का उपयोग होता है देश के भीतर। जी हाँ दोस्तों, अब अंतरराष्ट्रीय इसमें नहीं लगाना है हमें, देश के भीतर पत्र व्यवहार जो होता है उसे अंतरदेशीय पत्र के माध्यम से होता है, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हो जाएगा सामान्य कार्यकाल सामान्य कार्यालय पत्र निम्न में से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, सामान्य कार्यालय पत्र में तो किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता, पत्र क्रमांक होता है, संदर्भ नहीं होता, ठीक है, प्रेषक अधिकारी का नाम होता है, विषय होता है, तो यहां पर नहीं पूछा जाता, नहीं किया जाता, तो संदर्भ नहीं किया जाता, मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो हो जाएगा सही, ठीक है।
सरकारी पत्रों में प्रेषक के हस्ताक्षर कहां होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, प्रेषक के हस्ताक्षर कहां होना चाहिए? सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर एक, पत्र के अंत में दाईं ओर सरकारी पत्रों में हस्ताक्षर होनी चाहिए। इसको याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार से क्वेश्चन आते ही हैं। निम्न में से किस प्रकार के पत्र में सेवा में लिखा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सेवा में लिखा जाता है तो किस पत्र में लिखा जाता है? तो औपचारिक पत्र में लिखा जाता है। औपचारिक पत्र हम लिखते हैं, है ना, प्रार्थना पत्र भी होता है, प्रधान अध्यापक को जो हम पत्र लिखते हैं उसमें हम सेवा में लिखते हैं, मतलब वो औपचारिक पत्र हो जाता है, है ना। ये चीज आपको याद रखनी नहीं है, सेवा में लिखा जाता है तो औपचारिक पत्रों में। एक आदर्श पत्र, आपको पता होगा कि पत्र दो प्रकार के, एक तो औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। ये चीज हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वो भी आप देखें पिछला वीडियो। एक आदर्श पत्र लेखन की विशेषताओं में निम्न में से किस बिंदु को नहीं माना जाता? जी हाँ दोस्तों, तो ये चीज हमें बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो, विचारों की सुस्पष्टता तो होनी चाहिए, सरल भाषा शैली भी होनी चाहिए, पत्र लेखन के अंगों का समावेश भी होना चाहिए, पांडित्य प्रदर्शन जो होता है एक आदर्श पत्र लेखन में ये नहीं होना चाहिए, पांडित्य प्रदर्शन। तो ये इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो विकल्प नंबर तीन सही हो जाएगा, इसको याद रखें। सामाजिक अनौपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, मतलब निजी जो पत्र होते हैं, है ना, निजी पत्र बोले तो सही होगा। अनौपचारिक पत्रों को निजी पत्र भी कहा जाता है। सामाजिक अनौपचारिक पत्र में अपने से बड़ों के लिए निम्न में से कौन सा निवेदन नहीं उपयोग में लाया जाता है? यहां पर नहीं पूछा गया। अब कभी कभी कंफ्यूजन नहीं और है में होता है, तो ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नहीं उपयोग में लाया जाता तो देखो आपका शिष्य तो उपयोग में लाया जाता है, लेकिन यहां पर अपने से बड़ों के लिए पूछा गया तो अपने आपका साथी ये जो सही हो जाएगा ये उपयोग में नहीं लाया जाता, विकल्प नंबर दो है वो सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, पत्र के अंगों का उचित क्रम बताना है। जी हाँ दोस्तों, पत्र के अंग होते हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्न में से बताइए पत्र का अंग नहीं है, है ना, इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पर उचित क्रम पूछ लिया गया है, इसका उचित जो क्रम होगा, पहले तो प्रारंभ, संबोधन, कलेवर और फिर अंत, मतलब विकल्प नंबर दो जो हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 27 का, है ना, ये इसका उचित क्रम होता है पत्र का। नेक्स्ट देखें, औपचारिक पत्र को खालिस्तान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्या कहा जाता है औपचारिक पत्र को? तो औपचारिक पत्र को क्या कहा जाता है, कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, मतलब विकल्प नंबर दो जो है वो सही हो जाएगा, औपचारिक पत्र को कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, अनौपचारिक पत्र को निजी पत्र भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, औपचारिक पत्र जो होती है इसमें औपचारिकता करनी होती है, अपने से बड़े पद की हमें उसके महत्व को, उसकी गरिमा को, उसके पद के अनुसार व्यवहार करने होते हैं, पत्र में लिखना होता है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, अनौपचारिक पत्र में अपने बराबर वालों को निम्न में से कौन सा संबोधन उपयोग में लाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमें बराबर वालों की यहां पर बात करनी है, अपने बराबर वालों को, तो यहां पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अपने बराबर वालों में क्या चलेगा, ना तो पूज्य चलेगा, ना आदरणीय चलेगा, ना अनुज चलेगा, क्या चलेगा, प्रिय मित्र, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो। नेक्स्ट देखें, पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है? संबोधन किसे कहा जाता है? प्रेषक का पता, प्राप्तकर्ता के पते को, या प्राप्तकर्ती के प्रति सम्मान या स्नेह। जी हाँ दोस्तों, इसे ही संबोधन कहा जाता है, विकल्प नंबर चार इसका सही हो जाएगा, प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह को संबोधन कहा जाता है, ये चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, आपका पत्र मिला से आरंभ होने वाले पत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? हमें यहां पर बताना है, आपका पत्र मिला, आपका पत्र मिला मतलब हम एक पत्र लिख रहे हैं जवाब में, और हम उसमें पूर्व जो पत्र था उसका विवरण दे रहे हैं कि आपका पत्र मिला, उसमें ऐसा लिखा था, अच्छा लगा, इस प्रकार से, मतलब एक पूर्व पत्र की बात यहां पर हो रही है। तो आपका पत्र मिला से आरंभ होने वाले पत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? वह किसी पूर्व पत्र का उत्तर है, यही सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, है ना, हम किसी पूर्व पत्र के उत्तर के बारे में हम लिख रहे हैं दूसरा पत्र। इनमें से किस प्रकार के पत्र में संदर्भ देना अनिवार्य होता है? संदर्भ देना अनिवार्य होता है तो पारिवारिक पत्र में, नौकरी हेतु आवेदन पत्र में, कौटुंबिक पत्र में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो विकल्प नंबर दो होगा, नौकरी हेतु जो आवेदन होता है, आवेदन पत्र होता है, उसमें संदर्भ देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ये चीज याद रखें, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस प्रकार के पत्र में संलग्नक का उपयोग उल्लेख किया जाता है? तो संलग्नक का जो उल्लेख किया जाता है
वो किया जाता है सरकारी पत्रों में। ठीक है, हमने पढ़े हैं सरकारी पत्र पिछले वीडियो में, सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, इस प्रकार से पत्रों के बारे में हमने उसमें बताया, विस्तृत भी बताया, क्वेश्चन भी बताया कि किस टाइप से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते, वो चीज भी हमने बताई है आपको। यदि एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो किस संबोधन का प्रयोग करेगा? जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन से संबोधन का? पिता और पुत्र के बारे में जो संबोधन होगा दोस्तों, वो क्या होगा? जब पुत्र पिता को पत्र लिख रहा है तो पूज्य पिताजी, आपको पता होगा, आपने पत्र भी लिखे होंगे, पूज्य पिताजी, ये पुत्र जो है अपने पिता के लिए संबोधित करेगा, संबोधन में लिखेगा। सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता? तो प्रेषक अधिकारी का नाम होता है, पत्र क्रमांक होता है, विषय होता है, लेकिन संदर्भ नहीं होता, मतलब विकल्प नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा, 35 का डी। अगला देखते हैं, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता? जी हाँ दोस्तों, तो देखो अधिसूचना का प्रयोग नियम में होता है, आदेश में होता है, अधिकार में होता है, लेकिन कर्तव्य इसमें अधिसूचना का प्रयोग नहीं किया जाता, मतलब विकल्प नंबर जो सी हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें, अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें सरकारी आदेशों, नियमों आदि की घोषणा होती है, इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, इसे राजपत्र और समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है। तो देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन जो डी है ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, अधिसूचना के बारे में ये सही नहीं है। और इस प्रश्न की बात करें तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर डी ही हो जाएगा, है ना। अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर होगा प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है अधिसूचना, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, अब मैंने पहले भी बता चुके हैं आपकी कोई भी पत्र अगर विभिन्न, एक पत्र जब विभिन्न लोगों को, विभिन्न विभागों को भेजा जाता है तब उसे वो पत्र कहा जाता है परिपत्र, है ना। परिपत्र को गस्ती पत्र, घुमक्कड़ पत्र भी कहा जाता है, सर्कुलर जो है इंग्लिश में इसका जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए सर्कुलर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, कार्यालयीन पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सारे पत्र हम पढ़ चुके हैं, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता तो हमें बताना है। तो देखना, कार्यालय आदेश होता है, परिपत्र होता है, ठीक है, कौन सा नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, तो जो इसका सही हो जाएगा कि कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता, तो निमंत्रण पत्र जो होता है वो कार्यालय पत्र में शामिल नहीं होता, ये निजी पत्रों में शामिल होते हैं। ठीक है, अधिसूचना, परिपत्र और कार्यालय, ये कार्यालयीन पत्रों के अंतर्गत आते हैं, तो निमंत्रण पत्र नहीं होता, विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कार्यालय पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, देखो कार्यालय पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, आडंबरपूर्ण जो भाषा शैली है वो नहीं होनी चाहिए कार्यालय पत्रों में, ये चीज आपको याद रखनी है। शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है संबोधन, महोदय लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा कि पत्र संख्या के ऊपर तारीख लिखी जाती है, ये जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा शासकीय पत्रों के संदर्भ में, है ना। तो विकल्प नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना है तो संबोधन में क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा माननीय महोदय। ठीक है, ये विकल्प नंबर इसका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग हमने 42 क्वेश्चनों पर यहाँ पर डिस्कस किया, और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है पत्र लेखन से संबंधित। अभी एमपी टेट में जो है एक पेपर में, एक शिफ्ट के पेपर में चार चार पांच पांच क्वेश्चन भी पूछे गए। अगर चार पांच क्वेश्चनों में अगर आपके दो भी गलत होते हैं तो आपके दो नंबर कट जाते हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। पत्र लेखन हो, निबंध लेखन हो, ये सारी चीजें इन हिंदी में इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर हमने 42 क्वेश्चन समाहित करने का एक प्रयास किया है, आपको ये प्रयास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। इससे पहले भी हमने एक पार्ट डाला है पत्र से संबंधित, पत्र लेखन से संबंधित, वो भी आप देखें और ये देखें तो लगभग आपका आधे से ज्यादा टॉपिक जो होगा पत्र लेखन का वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, IAS स्टडी ट्रैक करके आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाएंगे, और आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बहुत सारे हिंदी से अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं,
एमपी व्यापम से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उससे भी मैंने बहुत सारे वीडियो उपलब्ध करवाए, हिंदी व्याकरण से संबंधित भी वीडियो उपलब्ध करवाए हूं। निरंतर आपके कमेंट के माध्यम से, आपके जो फोन आप लगाते हैं कि सर इस प्रकार का वीडियो बनाए, तो उस प्रकार का बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आप जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।